हम इंसान भी कैसी चीज है ना, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जब आगे मेरे पास पैसा होगा तो मैं और मेरी पूरी फैमिली महंगी महंगी होटल में खाना खाया करेंगे, अपनी पूरी फैमिली के साथ महंगे महंगे ट्रिप पर जाया करेंगे, हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करेंगे। ऐसे ऐसे सपने हम लोग हमेशा आगे खोल कर देखते रहते हैं, लेकिन अफसोस ये सपने कुछ ही लोगों के पूरे हो पाते हैं, बाकी लोगों के सपने तो सिर्फ डे ड्रीम्स बनकर रह जाते हैं। इसी तरह इस कहानी में हम एक सोफी नाम की लड़की के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हमेशा डे ड्रीमिंग करती रहती है। ये डे ड्रीमिंग में इतनी खो जाती है कि ये अपने रियल लाइफ से ही एस्केप कर जाती है। ये काफी बड़े बड़े सपने देखती रहती है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए कहानी को शुरू करते हैं। सोफी अपने दोस्त जेंसी के साथ स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में सोफी जेंसी को बोलती है, जेंसी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। जब हमारा स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। सोफी पर क्या तुम्हें पता है इसको खोलने में ढेर सारे पैसे लगेंगे? हाँ मुझे ये पता है, पर तब तक मैं काफी ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन इतने सारे पैसे इकट्ठे करने में तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ चलो ठीक है, मैं तब तक एक मैनेजर बन जाऊंगी। हाँ बेशक क्यों नहीं, इससे मैं काफी ज्यादा पैसे भी इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन सोफी वो लोग तुम्हें सीधा तो मैनेजर बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं, मैं मैरी क्वेंट जैसी एक फेमस फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, जिससे कि एकदम मैं नेचुरल भी लगूंगी और वो लोग मुझे स्टार्टिंग से देखेंगे। तुम बस देखती जाना जेंसी, एक दिन इस शहर की सबसे बढ़िया दुकान मैं बनाऊंगी। लेकिन जेंसी जानती थी इन दोनों को हमेशा एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और वो ये चाहती थी कि सोफी ऐसी ऐसी बातें ना करे। फिर जब जेंसी और सोफी सोफी की गली तक पहुंच जाते हैं तो जेंसी सोफी को कहती है, अब ये काम कुछ ही महीने दूर है सोफ, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे घर वालों से इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारे घर वाले इस दुकान के लिए एक पैसा तक नहीं देंगे। पैसे छोड़ो, तुम्हारे पापा इस दुकान के लिए परमिशन तक नहीं देंगे। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं एक एक्ट्रेस बन जाती हूँ, इसमें काफी ज्यादा पैसे भी हैं और साइड बाय साइड में एक बुटीक कर लूंगी, क्योंकि एक्ट्रेस फुल टाइम तो काम करती ही नहीं। फिर सोफी अपने घर के अंदर चली जाती है ये कहकर जेंसी को कि अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। ये बात कहकर सोफी अंदर जा ही रही थी, इतनी ही देर में उसके पीछे खड़े उसके पापा ने ये बात सुन ली और उसके पापा बोले, अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आया तो हम लोगों के लिए रहने के लिए एक सुंदर सा घर बना देना, तुम्हारा काफी ज्यादा हमारे ऊपर आभार होगा सोफी। सोफी के पापा फिर खाना खाने लग जाते हैं और अपना पूरा मुंह आलू और मांस से बना खाना अपने मुंह में ठूसते रहते हैं। उनका फेस एकदम मैला हो रखा था और उनके फेस पर पसीना भरा हुआ था, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा गर्म था। फिर सोफी का छोटा भाई बोलता है, ये सोफी हमेशा सोचती रहती है कि पैसे तो पेड़ पर लगते हैं, है ना पापा? फिर सोफी की नजर उसकी मम्मी पर जाती है, जो कि सिंक के ऊपर खड़ी होकर काम कर रही थी। फिर वो उसकी मम्मी की एप्रन की डोर की तरफ देखती है, जो कि उनके पीछे बंधी हुई थी। फिर वो देखती है कि उनकी मम्मी जो है वो सिंक पर झुकी हुई है और उनकी जो बैक है वो एकदम बैंड हो चुकी है, एकदम धनुष की तरह। ये देखकर सोफी को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है और वो सोचती है कि मेरी मम्मी सारा दिन कितना काम करती रहती है और ये अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड है। फिर दोबारा सोफी का छोटा भाई बोलता है, सच्ची में पापा ये यही सोचती है कि पैसे तो पेड़ पर लगते हैं। ये बात सुनते ही सोफी अपने बड़े भाई जीएफ के पास चली जाती है। जीएफ को 3 साल हो चुके हैं अपना कॉलेज कंप्लीट किए हुए। अब वो एक मैकेनिक है, वो कमरे में बैठकर मैकेनिक का सामान लेकर अपने मोटरसाइकिल के पार्ट्स को रिपेयर कर रहा था। सोफी जब उसके भाई को देख रही थी तो वो काफी ज्यादा उसको देखकर जेलस भी होती है और उसको जीओफ पसंद भी आता है। सोफी को जीओफ इसलिए पसंद आता है क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो कि जितनी भी स्टोरी सोफी अपने दिमाग में बनाती है उन सब को वो सुनता है। लेकिन जीओफ के साइलेंस से वो इसलिए जेलस थी क्योंकि जब जीओफ कहीं ना कहीं काम करने जाता है उनके घर वालों से एकदम दूर, जब वो नए नए लोगों से मिलता है, उनसे नए नए एक्सपीरियंसेस लेता है, उनसे नई नई बातें सुनता है, वो सभी बातें जीओफ अपने मन के अंदर रखता है।
वो कभी भी अपना एक्सपीरियंस घर वालों के साथ शेयर नहीं करता। मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो जियोफ है मुझे अपनी सारी बातें बताए, अपनी बातें मुझे शेयर करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मैं जियोफ के साथ सारी जगह ट्रेवल करना चाहती हूँ जहाँ जहाँ वो करता रहता है। फिर सोफी जियोफ के पास खड़ी हुई थी। इतनी ही देर में वो अपनी इमेजिनेशन करने लग जाती है। वो इमेजिन करती है एक वर्ल्ड जिसमें जियोफ और सोफी प्रिंस और प्रिंसेस की तरह हैं। इसमें इन दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और इनको पूरी दुनिया वेलकम कर रही है। ऐसी ऐसी बातें हमेशा सोफी के दिमाग में चलती रहती हैं। वो हमेशा डे ड्रीमिंग करती रहती है। फिर सोफी जियोफ की अटेंशन को खींचने के लिए बोलती है, जियोफ क्या तुम्हें पता है आज मैं डैनी केसी से मिली। डैनी केसी एक फेमस फुटबॉलर है। सोफी और डैनी केसी की एज में काफी कम गैप है। जैसे ही सोफी ये बात बोलती है, जियोफ सोफी की तरफ देखने लगता है। फिर सोफी बोलती है, ऐसी बात नहीं है जियोफ, मैं बताऊंगी तुमको कि मेरे को वो कहां मिला। मैं जब शॉप के अंदर कपड़े देख रही थी तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो तो डैनी केसी है। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम हमेशा कुछ न कुछ कहानी बनाती रहती हो और किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती हो। तुम अपने आप ही कहानियाँ हुकअप्स करती रहती हो। जियोफ तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं डैनी केसी से सच्ची में मिली हूँ जियोफ। अगर तुम सच बोल रही हो तो एक बात बताओ, डैनी केसी दिखने में कैसा है? ओहो जियोफ, तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि डैनी केसी दिखने में कैसा है। वो हाइट में ज्यादा लंबा नहीं है और उसकी ग्रीन आईज है। ये सुनने के बाद जियोफ और सोफी बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके पापा टीवी देखने के लिए आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। तभी जाकर जियोफ उसके डैडी को बोलता है, डैडी क्या आपको पता है आज सोफी डैनी केसी से मिली। ये बात सुनते ही उसके पापा इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और इस बात को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी को स्टोरी हुकअप्स करने की आदत है। सोफी सोचती है कि डैड शायद मेरी बात मानेंगे, इसलिए वो बोलती है, डैड डैनी केसी यहाँ एक शॉप खरीदने वाला है। तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ एक शॉप खरीदने वाला है? तुम्हें किसने बताया? उसने खुद ने बताया डैड, जब वो मुझसे मिला था वो कह रहा था कि मैं यहाँ एक शॉप खरीदने वाला हूँ। सोफी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें मत किया करो। अगर तुम ऐसी ऐसी बातें करोगी तो किसी न किसी दिन तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी और तुम फिर रेग्रेट करोगी। फिर सोफी और जियोफ दोबारा एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं और सोफी जियोफ को कहती है, जियोफ प्लीज जो बातें मैंने तुमको बताई है वो और किसी को भी मत बताना, वरना अगर तुमने और किसी को बताई तो डैड मेरा एकदम मर्डर कर देंगे। फिर सोफी तुम इस तरह की बातें ही क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना डैनी केसी के पास लड़कियों की कमी नहीं है। बातें करने के लिए ढेर सारी फैंस मिलेंगी उसको जिनसे वो बात कर सकता है। एक तुम ही थोड़ी ना मिलोगी जिससे वो बात करेगा। ऐसी बात नहीं है जियोफ, उसने मुझको खुद बताया था कि उसकी कोई फ्रेंड नहीं है। जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की को बता ही देगा कि उसकी कितनी फ्रेंड्स हैं। ऐसी बात नहीं है, उसने मेरे साथ बात भी नहीं की थी। मैंने ही उससे बात करने शुरू की थी, जबकि मैंने बात करते करते उनसे उनका ऑटोग्राफ तक मांगा था, पर मेरा बैड लक, उस टाइम ना ही मेरे पास पेपर मिला और ना ही उनके पास पेन मिला। लेकिन उस टाइम उन्होंने मुझको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीक वो मुझको मिलकर ऑटोग्राफ देंगे। हाँ क्यों नहीं, अगली बार जरूर आएंगे वो तुमको ऑटोग्राफ देने। चलो जियोफ, तुम्हें अब एटलीस्ट यकीन तो हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं डैनी केसी से असलियत में मिली हूँ। अब सोफी दोबारा उसके ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है और सोचने लगती है, मेरा भाई कितना हैंडसम दिखता है, टॉल दिखता है, इसको थोड़े और काफी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और इसको अच्छी तरह ड्रेसअप होना चाहिए। सोफी की फैमिली का एक रिचुअल है, उन्होंने अपने आप एक मान्यता बना रखी है कि जब भी फुटबॉल का मैच होगा तो वो लोग देखने जाएंगे। फिर सोफी और उसकी पूरी फैमिली सैटरडे को मैच देखने के लिए जाती है, बस सोफी की मदर नहीं जाती। फिर वो मैच में देखते हैं कि डैनी केसी ने गोल किया और उनकी पूरी टीम जीत जाती है। फिर मैच खत्म होने के बाद वो घर जा ही रही थी तो रास्ते में उसको उसके दोस्त जेंसी मिली और जेंसी सोफी से बोली, तुम क्या कह रही थी सोफी, तुम डैनी केसी से मिली? ये बात सुनते ही सोफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एक बात बताओ मुझे तुम जेंसी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ?
तुमने ये बात तुम्हारे भाई को बताई और तुम्हारे भाई ने ये बात मेरे भाई को बताई और मेरे भाई ने ये बात मुझको बताई, तो मुझको तब पता चला कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। फिर सोफी मन ही मन में सोचती है, ये बात मेरे और मेरे भाई के बीच की पर्सनल थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई किसी और को ये बात बताए। मुझे मेरे भाई पर काफी ज्यादा गुस्सा रहा है क्योंकि उसने ये सीक्रेट लोगों से शेयर कर दिया और ये बात अब जेंसी को पता चल गई है, मतलब पूरी दुनिया को पता चल जाएगी क्योंकि जेंसी ऐसी लड़की है जो बात फैलाने में सबसे आगे रहती है। सोफी मैंने तुमसे कुछ पूछा है। हाँ हाँ, मैं मिली थी डैनी केसी से। वाओ सोफी वाओ, एक बात बताओ, क्या मेरे भाई ने तुम्हें पूरी बात बताई है कि मैं उसे नेक्स्ट वीक भी मिलने वाली हूँ, वो मुझे खुद स्पेशल मिलने को आएगा। क्या मेरे भाई ने तुमको ये बात बताई है? नहीं, तुम्हारे भाई ने ऐसी तो कोई बात नहीं बताई, तुम ही बता दो। ऐसी तो कुछ बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो फाइनली कोई तो ऐसी बात हुई जो मेरे भाई ने इनको नहीं बताई। जेंसी प्लीज तुम ये बात किसी और को मत बताना क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने किसी और को ये बात बताई तो मेरे जो फादर हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हाँ हाँ, टेंशन मत लो सोफी, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। मैं जेंसी को जितनी बुरा सोचती थी ये तो इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने जो इन लोगों को ये बात बताई है ये बात इनको बताने की नहीं थी। मैं चाहती थी कि ये बात बस मेरे और मेरे भाई के बीच में रहे। फिर सोफी वहाँ से चली जाती है और एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि यहाँ पर आएगा डैनी केसी, उससे मिलेगा यहाँ पर आके डैनी केसी। सोफी अपनी इमेजिनेशन की लाइफ में इतनी घुस चुकी थी कि अब वो उससे बाहर नहीं आना चाहती। वो ये सोचने लग जाती है कि डैनी केसी उससे मिलने आ रहा है और ये जगह एकदम बेस्ट रहेगी उन दोनों के लिए मीटिंग के लिए। यहाँ पर इस जगह पर दोनों को कोई देख भी नहीं पाएगा क्योंकि ये जगह टाउन से काफी ज्यादा दूर है और यहाँ पर शांति भी है। सोफी अपने ड्रीम लाइफ में इतना घुस चुकी थी कि उसको यही नहीं पता चल रहा था कि वो उसकी रियल लाइफ है या फिर ड्रीम लाइफ। उसको ये पता नहीं लग रहा था कि ये रियलिटी है या फिर ड्रीम। फिर सोफी को रियलाइज होने लग गया था कि डैनी कैसे यहाँ नहीं आने वाला, लेकिन अब मैं घर जाऊंगी तो मैं अपने भाई को क्या कहूंगी, डेरेक को मैं क्या कहूंगी। आज मैं उसके लिए डैनी केसी का ऑटोग्राफ लाने वाली थी। इसको रियलाइज करने के बाद सोफी को काफी ज्यादा बुरा फील होता है। सोफी अपने दिमाग में इस तरह उन वर्ल्ड में एस्केप कर जाती है जो कि बस एक इमेजिनेशन है। अब अगर मैं घर पर गई और जाकर ये कहूंगी कि मैं डैनी केसी से नहीं मिली तो मेरे घर वाले सोचेंगे कि सोफी तो जो है वो स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रही है, और सच्चाई भी यही है, सोफी स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रही थी क्योंकि ये सारी चीजें बस सोफी के दिमाग में चल रही थी। बस ये चाहती थी कि उस पर लोग बिलीव करें और ऐसे ही बस इमेजिनेशन वो करती रहे और डैनी केसी से वो इमेजिनेशन में मिली और वो ये इस वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पा रही थी। तो ये थी गोइंग प्लेसेस की कहानी। अगर तुम लोगों को थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को करके लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी, और ये भी बताना कि तुम लोग क्या ड्रीम करते रहते हो, हमेशा तुम इमेजिन क्या करते रहते हो अपनी लाइफ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो जल्दी आएगी। अब मैं रेगुलर होने की कोशिश करूंगा, कह तो मैं हर बार देता हूँ पर हो नहीं पाता यार, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन अब की बार मैं ज्यादा कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।